गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम जो बात करेंगे वो नेक्स्ट एमएस वर्ड के ऑप्शंस की बात करेंगे। देखिए, कल हमने जो देखा था, हमने ये देखा था कि जो है टेक्स्ट को कलर कैसे किया जाता है। देखिए, हमने इस तरीके से इसको जो है कलर कर दिया, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं। ये हमने बोल्ड किया, बोल्ड करने के बाद में देखिए या इसका थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ये स्टाइल हमने चेंज कर दिया है, ये हमने स्टाइल चेंज किया है, क्लियर है। मान लीजिए हूबहू स्टाइल आप इसको चाहते हैं, इतनी टेक्स्ट को चाहते हैं, ठीक है, इस टेक्स्ट को चाहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करते हैं इसके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इस टेक्स्ट को इतने को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर किया, और फॉर्मेट प्रिंटर करके और जितने टेक्स्ट को हम करेंगे हूबहू वैसा ही टेक्स्ट हो जाएगा जैसा उसका, ये फॉर्मेट प्रिंटर एज इट इज़ यूज़ करवाने के लिए जो फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ किया जाता है, क्लियर है। आपका क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन जो है वो कम्प्लीट हो गया, फॉन्ट है जो फॉन्ट कम्प्लीट हो गया। उसके बाद में बुलेटिंग देखते हैं। देखिए, अगर आपको मान लीजिए टेक्स्ट की बुलेटिंग करनी है, बुलेटिंग का मतलब ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे, जैसे मान लीजिए इस तरीके का बुलेट्स लगाने, इस तरीके के, इस तरीके के, इस तरीके के हमने बुलेट्स लगा दिए, ठीक है। लास्ट लाइन में जाके जैसे मैं एंटर करता हूँ, या मान लीजिए मैं यहाँ पे आने के बाद में एंटर करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली कुछ भी लिखेंगे आप, जैसे मान लीजिए देखिए ऑटोमेटिकली बुलेट आ जाए। अगर यहाँ से आप चेंज कर देंगे बुलेट्स को, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये है बुलेटिंग, यहाँ पे जो भी आपको बढ़िया लगे वो बुलेट्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं, जैसे आपको नंबरिंग वगैरह करनी है, देखिए, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, इस तरीके से नंबरिंग कर दी, ठीक है, क्लियर है। आप लास्ट लाइन में जाएंगे, या मान लीजिए आप यहाँ जाते हैं, यहाँ जाने पर और आप कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली बुलेटिंग जो है वो आती जा रही है, क्लियर है, ये बुलेटिंग होती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर हम आगे देखें, ये देखिए इस तरीके की बुलेटिंग अगर आपको लेके आएंगे, देखिए आपने यहाँ पे ये किया, लास्ट लाइन में जाइए, एंटर कीजिए, टू आ गया। अब देखिए जो थर्ड लाइन है ना, थर्ड लाइन के मान लीजिए स्टार्ट में आ गया, जब आप टैब की दबाएंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 1.1 जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आके आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे तो 1.2 हुआ। अगर मान लीजिए आपको 1.1.1 करना है तो थर्ड लाइन के फर्स्ट में आके और टैब दबा दीजिएगा, इस तरीके से ये जो बुलेटिंग है वो बनती चली जाएगी, ठीक है। ओके, होप सो यू क्लियर दैट ऑल द थिंग्स, ठीक, क्लियर है। उसके बाद देखिए हम करते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा और टेक्स्ट ऐड करते हैं यहाँ पे, ये हमने टेक्स्ट ऐड कर लिया है। देखिए अब अगर हम जो बात करें, अगर हम बात करते हैं जैसे मान लीजिए अलाइनमेंट्स की, ठीक है, ये देखिए ये वाला जो है इसको हम लेफ़्ट अलाइनमेंट करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो है लेफ़्ट अलाइनमेंट आ रहा है, देखिए ये लेफ़्ट अलाइनमेंट हो गया। अगर इसको सेंटर करना है तो ये सेंटर हो गया, ठीक है, थोड़ा सा इसको जो है हम कर लेते हैं, ये देखिए लेफ्ट, ये जो है सेंटर अलाइनमेंट आ गया। अगर जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई का मतलब ये होता है स्पेस को मैनेज कर देगा वो, या राइट अलाइनमेंट, देखिए राइट साइड में हो गया, ठीक है। जस्टिफाई करेंगे तो देखिए वो दोनों साइड से बराबर कर दिया उसने टेक्स्ट को। लाइन की स्पेसिंग अगर आपको मेंटेन करनी है, देखिए लाइन्स के बीच की स्पेसिंग की अगर हम बात करें, लाइन्स के बीच की स्पेसिंग की अगर हम बात करें, तो इस तरीके से मेंटेन हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको कलर करना है तो इस तरीके से कलर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।